जेएनयू कैंपस में रविवार रात को छात्र संघ का प्रदर्शन हो रहा था। उसी बीच कैंपस में कुछ नकाबपोशों ने छात्रों पर हमला बोल दिया। हथियारों से लैस ये नकाबपोश जेएनयू में घुस गए और करीब 4 घंटे तक कैंपस में बवाल मचाते रहे, जिसमें छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष का सर फट गया और प्रोफेसर समेत तकरीबन 20 लोग घायल हो गए। घटना को लेकर देर रात तक जेएनयू में अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद इस घटना की हर तरफ निंदा होने लगी, जिसको लेकर अब बॉलीवुड का भी गुस्सा फूट पड़ा है। और अब बॉलीवुड के कई सितारे इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जहां एक तरफ स्वरा भास्कर इस घटना को लेकर भावुक हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस शवाना आजमी ने ट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि ये बात बेहद ही चौंकाने वाली है, अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। तो अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए छात्रों से अपील की है कि बड़ी संख्या में जेएनयू कैंपस पहुंचे। Parents live on campus. This is an appeal to anyone who's in Delhi. This is an appeal that I'm forwarding from JNU students who are calling me that please go to the north gate, to the main gate of JNU in as large numbers as you can. There is media presence there. There is Delhi police presence there. But Delhi police is not going inside campus. They're not controlling the situation. Video में भावुक नजर आई स्वरा भास्कर ने कहा है कि उनके माता पिता उसी कैंपस में रहते हैं जहां ये घटना हुई है। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी इस पर ट्वीट कर कहा है कि ऐसी स्थिति है जिसके अंदर हम एक ऐसी जगह मानते हैं जहां हमारा भविष्य आकार लेता है, यह हमेशा के लिए धुंधला होता जा रहा है। वहीं इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल और दिमाग के रेस में सिर्फ 6 मिनट का अंतर है। दिल अगर पहले काम करना बंद करता है तो उससे रुकने के बाद दिमाग के पास भी सिर्फ 6 मिनट है। हम शायद इस वक्त उस मध्य अंतर में हैं। इसके अलावा रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने भी इस घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया है। जेनेलिया ने कहा है कि मैं नकाबपोश गुंडों के दृश्य को देखने से बहुत परेशान हो गई हूं। जेएनयू में घुसकर छात्रों पर और शिक्षकों पर हमला करना सरासर क्रूरता है। अपराधियों की पहचान करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पुलिस से विनम्र अपील है। तो रितेश देशमुख ने ट्वीट किया है कि उनको चेहरा ढकने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कुछ गलत, अवैध और दंडनीय काम कर रहे हैं। इसमें कोई सम्मान नहीं है, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो वहीं फिल्म हम आपके हैं कौन से फेमस हुई एक्ट्रेस रेणुका शाहने ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। नकाबपोश गुंडे जेएनयू में कैसे घुस सकते हैं और छात्रों और शिक्षकों को कैसे आतंकित कर सकते हैं? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ निहत्तों पर बार करना आता है क्या? जो कानून खुलेआम तोड़ रहे हैं उन्हें खुली छूट दे रखी है क्या? अविश्वसनीय, डरावना, शर्मनाक। इस पर अब रणवीर शौरी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, राजनीतिक दलों और उनके एजेंडों द्वारा उपयोग किए जा रहे छात्रों को इस राष्ट्र को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे थे जेएनयू विवाद को लेकर बॉलीवुड हस्तियों के रिएक्शन। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।